हेलो वेलकम बैक टू बचार गाइस। तो अभी हम आ चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे। अभी हम रायाबाद फॉर्म में है, अभी हम जा रहे हैं डीमा की तरफ। तो यहाँ का रूट भी बहुत अच्छा है, लास्ट वीडियो में जैसा देखा होगा आपने एकदम फॉरेस्ट फॉरेस्ट। तो आज मैं चला रहा हूँ टॉर्क अपने फ्रेंड का। तो फिर से हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका हालत बहुत ही ख़राब है, बार बार वो लीक हो जा रही है, उसको तो रिंग चेंज करना पड़ेगा। और अभी बने रहो वीडियो में, देखते क्या देखने को मिलता है। वैसे डीमा तो बहुत नॉर्मल जगह है, लेकिन कंटेंट के लिए मैं ऐसे ही बना देता हूँ क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पे अभी फिलहाल दिखाने के लिए। ये बहुत ही स्मूथ स्कूटी है, 125 सीसी सेगमेंट में, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और इसका जो रेसिंग एडिशन ये वाला कलर जो है ये रेड एंड ब्लैक में, ये भी बहुत कूल लगता है। और आगे जाके तो इसको भगाएंगे, टॉप स्पीड चेक करेंगे, क्या बोलते हैं, टॉप स्पीड चेक किया जाए, टॉप स्पीड चेक किया जाए, 88 चलो करेंगे आज नहीं नहीं थोड़ा तो भगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा भगा सकते हैं। वैसे आज का मौसम आप देख ही सकते हैं, एकदम फुल बारिश बारिश टाइप हो रखा है एकदम। अब भाई बारिश ना शुरू हो जाए, क्योंकि वेट भाई बारिश का बूंद गिरा मेरे ऊपर, बारिश आ गया लग तो ऐसे ही रहा है। थोड़ा भगाया जाए, फुल प्रोडक्ट दे जाए, मैंने देखो भाई स्पीड कैसे कर दी। ब्रेक भी एकदम मस्त है, ये देखो सामने एक वाइट टॉर्क और एक यहाँ पर ब्लैक एंटॉर्क। भाई एंटॉर्क ही एंटॉर्क भाई, क्रेजी है भाई, एंटॉर्क का बहुत क्रेज है। गाइस अभी हम डीमा ब्रिज के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ का क्लब भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को ना थोड़ा अजीब लगता है ये जो रोड पे जो ग्रिप्स होते हैं, ये थोड़ा मेरे को अजीब लगता है। इसकी वजह से ना टायर बंक करता है, अगर टायर में ज़्यादा पंप हो तो। और अभी हम डीमा ब्रिज पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर उधर की स्कूटी का थोड़ा वाकराउंड करूँगा, थोड़ा सिनेमेटिक वीडियो निकालते हैं, आज के वीडियो को एंड कर देंगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहो। वीडियो कर देते हैं एंड, और मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, राइट सेफ।